नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सुखसाहुणं श्रद्धास्तकातिकर्मणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्त्युक्तां शान्तिं पृष्पाद्याजिनिस्परः नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिपणेशिवे मूलत्रमुढाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सद्गुरुगौतमे सदा जय गुरु श्रीनंतान सत्प्रविष्ट भगवान की जय अतिशयकारी इच्छा पुरुष आदिनाथ भगवान की जय धर्मतीर्थ साम्राज्य नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय चिंतामणि श्री काशनाथ भगवान की जय वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय गुरुवर आचार्य श्री कुल सागर जी गुरुदेव की जय गुरुवर आचार्य श्री कृपिंद जी गुरुदेव की जय तीन कमलों कोटि मुनराज की जय अहिंसामय सनातन जय धर्म की जय धर्म श्री महान भव ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की तपस्वियों की साधन भूमि रही है। पावन है इस देश का कणकण मोक्षपुरी का धाम है। हर कन्या सीता सुंदरी बालक की विदेश में बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जो कि भौतिक आविष्कार हुए हैं, लेकिन जितने भी आध्यात्मिक आविष्कार हुए हैं, आध्यात्मिक खोज हुई है, आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त हुई है, वह भारत देश में। इसलिए भारत शुरू से विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनेक अनेक ऋषि मुनि संत होते रहे हैं। जो श्रृंखला में श्रवण परंपरा में दिगंबर जैन श्रवण परंपरा में उदीमान नक्षत्र के रूप में मुनि कुंजर आचार्य श्यारे सागर जी महामुनिराज हुए, अंकलीकर हुए, और उनके शिष्य रत्नों में श्रेष्ठ शिष्य रत्न समाधि सम्राट तीर्थ भक्त श्रोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, जिन्होंने अपनी तप साधना से 18 भाषाओं के दिव्य ज्ञान से तपस्या से सारे संसार को अवलोकित किया, और उन्हीं आचार्य महावीर कीर्ति जी की परंपरा में उनके प्रथम शिष्य हुए वास्तव रत्नकार आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज। विमल सागर जी महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य विमल सागर जी जो उनकी परंपरा के आचार्य थे, उनके शिष्य आचार्य श्री विराग सागर जी उपसर्ग विजय आचार्य श्री विराग सागर जी, जिन्होंने बुदिलखंड के प्रथमाचार्य बनने का महान गौरव प्राप्त किया और अनेक अनेक प्रशासनों के वो गणाधिपति बने, ऐसे महान विराग सागर जी आचार्य श्री के शिष्यों में अनेक अनेक उदीमान नक्षत्र के रूप में अनेक अनेक आचार्य हुए। उन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में एक उद्भट आचार्य, एक कवि आचार्य, एक अच्छे गीतकार आचार्य, एक अच्छे लेखक संघ नायक आचार्य में आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज हैं। आचार्य श्री विमर्श सागर जी, जिनका नाम ही विमर्श है, जो विचार विमर्श के साथ में आगे बढ़ते हैं, अच्छे क्रांतिकारी प्रवक्ता हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे भजन, अच्छा लेखन, अच्छे ग्रंथों का प्रणयन आपने किया और बहुत अच्छी प्रभावना आप कर रहे हैं, और सारे पंथवाद को मिटा करके जीरागम पंथ जयवंत हो और जैन यूनिविटी जैन समाज की एकता के लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी जानकारी में चितारा में आपका जन्म हुआ और आपका भी स्वर्णिम वर्ष चल रहा है, जीवन के स्वर्णिम जीवन को आप प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वर्णिम जीवन आपको स्वर्णिम साधना प्राप्त करावे। आज स्वर्ण जयंती मन रही है, हम कामना करेंगे कि आपकी स्वर्ण दीक्षा जयंती हो, हीरक जयंती दीक्षा जयंती हो, और जिन शासक प्रभाव आपके द्वारा निरंतर चलती रहे। आपने बाराबंकी में, बड़ौद में अनेक अनेक स्थान पर चतुर्मास किए हैं, और जहां चतुर्मास हुए हैं, कभी सिंगोली में, कभी बड़ौद में, कभी बाराबंकी में, जहां भी हुआ है वहां से आपकी तपस्या प्रभावना के समाचार निरंतर प्राप्त होते रहे। जो तरह से राकेश जैन, रानी जैन, आपने भी अनेक बार आपकी प्रशंसा की है और उसके लायक भी आप। बाराबंकी समाज आपके प्रति बहुत आदर रखता है, बड़ौद समाज प्रति आपके प्रति बहुत अच्छी रखती है, सिंगोली के बहुत सारे भक्तगण आपके लिए पूछते हैं, और सारे भारत में आपने अपनी तपस्या, अपने मधुर व्यवहार, अपनी सरलता, अपनी सज्जनता और मलिन मधुर व्यवहार से आपने सारे संसार को आलोकित किया है। एटा में आपसे हमारा मिलना हुआ, मैं जब संघ के साथ वहां पहुंचा तो आप भी वहां पर आए और अपने संघ के साथ बड़ी भक्ति भाव से आपने मिलन किया।
हम पूरे संघ का एक साथ में हार हुआ, एक साथ में रुकना हुआ। ऐसा लगा कि हम लोग जैसे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हूँ और संत संत से मिले तो दूध मिष्टी के समान मिले, मिठास और बढ़ गई। आज भी वह मिलन के क्षण याद आते ही तो मन रोमांचित हो जाता है और ये वास्तविक क्षण ही हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं, दृढ़ करती है। समय समय पर संतों को निरंतर मिलते रहना चाहिए। मैं संपूर्ण जैन समाज को, सभी गुरु भक्तों को आह्वान करता हूँ कि आचार्य श्री विमल सागर जी का स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए। तो स्वर्ण जयंती प्रवेश कर रहे हैं, विश्व दीदी ने बहुत भावना भाई है और पूरा संघ उनके प्रति समर्पित है। पूरे संघ के साधु वर्ग बहुत अच्छी भावना से अभिनंदन ग्रंथ उनके लिख रहे हैं। मेरा यही ई अभिनंदन उनके प्रति है। हमारे साथकर्मी हमारे अनुज कुमार सागर जी निरंतर वह नई नई रचनाओं के साथ में क्रांतिकारी प्रवचनों के माध्यम से, ग्रंथ लेखन के माध्यम से, अपनी भारत तपस्या के माध्यम से, अनशन अमूल्य संख्या आदि के माध्यम से और प्रायश्चित स्वाध्याय आदि के माध्यम से और अंतरंग बहिर्न तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा को निरंतर आलोकित करते रहें, उनके कर्मों का बोझ निरंतर हल्का होता रहे और आत्मा की शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आज वे आचार्य हैं, तीसरे प्रविष्टि की श्रेणी में आते हैं, वे आगे जाकर इस तप साधना से अरहंत बने, सिद्ध बने, यही मैं उनके प्रति कामना करता हूँ, सद्भावनाएं करता हूँ। आप खूब आगे बढ़ते रहें, आपके जितने शिष्य वर्ग हैं वो भी खूब आगे बढ़ते रहें, निरंतर सद्भावना आपको होती रहे। यही मंगल कामना के साथ विमल सागर जी को प्रति नमस्तु करता हूँ, प्रतिवंदन करता हूँ। जितने लोग उस स्वर्णिम जयंती में लगे हुए हैं, तन बंधन से जुड़े हुए हैं, सब भक्तों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप खूब आगे बढ़ते रहें और निरंतर धर्म भावना करते रहें, इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः।